नमस्कार, आप सबका स्वागत है। लोकल ट्रेन में चलने वालों का सफर अब सुहाना होने जा रहा है। देश की पहली एसी वातानुकूलित लोकल ट्रेन 25 दिसंबर या 1 जनवरी से मुंबई में चलेगी। रेलवे ने इसके सभी ट्रायल और चेक सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने भी इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। बता दें कि मुंबई के लोग पिछले 5 साल से एसी लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता ने कहा है कि मुंबई में एसी लोकल का परिचालन 25 दिसंबर या 1 जनवरी से किया जाएगा। हालांकि किराए और परिचालन की तिथि अभी तक रेलवे बोर्ड से नहीं मिली है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक मुंबई में चलने वाली एसी लोकल अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। CCRS ने एसी लोकल को डहाणु चर्चगेट के बीच इतनी गति से चलाने की अनुमति दी गई है। CCRS के लेटर के अनुसार एसी लोकल में अभी सुरक्षा के कई इंतजाम करने हैं। पश्चिम रेलवे ने एसी लोकल के किराए का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। इनमें राजधानी एक्सप्रेस के कोच की तरह बड़ी सिंगल विंडो लगाई गई है। कोच का इंटीरियर पिछले साल मुंबई को दी गई नई लोकल कोच जैसा है। कोच के भीतर लगी सीट नीले और ग्रे रंग की है। इन्हें पहले से ज्यादा आरामदेह बनाने का दावा किया गया है। इसमें 2 सीटों के बीच की जगह भी पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है, ताकि भीड़ ज्यादा होने पर यात्री सीटों के बीच में आराम से खड़े रह सकें। कोच में खड़े होकर चलने वाले यात्रियों को सहारे के लिए ऊपर लगे हैंडल भी इस तरह बनाए गए हैं कि एक हैंडल 2 यात्री पकड़ सकें। दरवाजे के बीच में लगे स्टील के खम्भे को भी नया आकार दिया गया है, ताकि एक साथ ज्यादा यात्री पकड़ सकें। इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें 5,964 पैसेंजर की कैपेसिटी होगी। मुंबई लोकल से हर दिन कई लाख लोग यात्रा करते हैं। एसी लोकल ट्रेन के शुरू होने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ट्रैवल करने की सोचेंगे, जिस कारण इसमें भारी भीड़ हो सकती है। इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ट्रेन में बाउंसर तैनात करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि 12 डिब्बों की लोकल ट्रेन में पीक आवर्स में 6,000 से ज्यादा यात्री ट्रैवल करते हैं। मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क को यहां की लाइफलाइन कहा जाता है। ऐसे में एसी लोकल ट्रेन आ जाने से यहां के यात्रियों का सफर काफी आसान होने वाला है। बता दें कि मुंबई लोकल में हर रोज 65 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। इसमें भी अकेले वेस्टर्न लाइन पर 35 लाख यात्री हैं और इस लाइन पर 37 स्टेशन पड़ते हैं। एसी लोकल को सबसे पहले इसी लाइन पर चलाया जाएगा।